इसके अंदर गेमिंग बिल्कुल मत करना, क्योंकि Infinix GT 10 Pro के अंदर कई सारे गेमिंग सेटिंग्स और फीचर्स है जो अगर आपको पता नहीं है तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस Infinix GT 10 Pro के अंदर खराब हो सकता है। इसीलिए बाद में पछताने से अच्छा है कि Infinix GT 10 Pro के स्पेशल फीचर्स और गेमिंग सेटिंग आप सबसे पहले जान लो। देखो, मुझे पता है जब भी हम कोई नया गेमिंग फोन खरीदने की सोचते हैं तो उसके अंदर हम नॉर्मली PUBG या फिर BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे हेवी ड्यूटी गेम खेलना चाहते हैं। तो ये सब गेम खेलने के लिए उस फोन के अंदर हमें तगड़ा प्रोसेसर होना चाहिए। तो Infinix GT 10 Pro के अंदर आपको MediaTek Dimensity 8050 प्रोसेसर दिया गया। ये एक 5G प्रोसेसर है और एकदम गेमिंग इफिशियंट प्रोसेसर है। आप हाई एंड की गेमिंग इस प्रोसेसर के साथ Infinix GT 10 Pro के अंदर आराम से कर पाओगे। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं BGMI या फिर PUBG के बेस सेटिंग की। देखिए, Infinix GT 10 Pro के अंदर आप BGMI या फिर PUBG गेम आराम से खेल पाओगे। एकदम हाई सेटिंग के ऊपर भी आप ये गेम Infinix GT 10 Pro के अंदर खेल पाओगे। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ये गेम एकदम स्मूथ चलेगा। पर अगर मैं बेस सेटिंग की यहां पे बात करूं तो Infinix GT 10 के अंदर आपको ग्राफिक्स HD पे और फ्रेम रेट हाई पे रख के BGMI या फिर PUBG खेलना है तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी स्मूथ और अच्छा यहाँ पे होने वाला है। कॉल ऑफ ड्यूटी के भी बहुत सारे फैन हैं, मुझे पता है। तो डोंट वरी दोस्तों, Infinix GT 10 Pro के अंदर आप कॉल ऑफ ड्यूटी भी एकदम आसानी से खेल पाओगे। बेस सेटिंग की मैं यहाँ पे बात करूं तो ग्राफिक्स क्वालिटी आपको यहाँ पे मीडियम पे और फ्रेम रेट हाई पे रख के कॉल ऑफ ड्यूटी Infinix GT 10 Pro के अंदर खेलना है तो जाकर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे स्मूथ होने वाला है। फ्री फायर के भी बहुत सारे लोग फैन है और मुझे पता है आप में से कई लोग Infinix GT 10 Pro के अंदर फ्री फायर भी खेलना चाहोगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एकदम मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर आप फ्री फायर Infinix GT 10 Pro के अंदर आराम से खेल पाओगे। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी और फ्री फायर Infinix GT 10 Pro के अंदर एकदम स्मूथली चलने वाला है। अगर आप रेसिंग गेम के फैन हो तो Asphalt 9 हाई ग्राफिक के साथ आने वाला रेसिंग गेम है और Infinix GT 10 Pro के अंदर आप डेफिनेटली ये गेम भी आसानी से खेल पाओगे। जी हाँ, मैक्सिमम सेटिंग के ऊपर हाई ग्राफिक्स सेट करने के बावजूद भी Asphalt 9 Infinix GT 10 Pro के अंदर एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलने वाला है। सबवे सर्फर भी बहुत सारे लोग अपने फोन के अंदर खेलते हैं, तो Realme GT 10 Pro के अंदर अगर आप सबवे सर्फर खेलना चाहोगे तो ये गेम भी हाई सेटिंग के ऊपर एकदम स्मूथ चलने वाला है। इसमें आपको कोई भी लैग या फिर बग देखने को नहीं मिलेगा। अब आप में से कई लोग अपने फोन के अंदर क्रिकेट भी खेलते होंगे, तो Realme GT 10 Pro के अंदर आप क्रिकेट भी खेलना चाहोगे तो रियल क्रिकेट 2022 हाई ग्राफिक के साथ आने वाला गेम है। और अगर आप इसे मैक्सिमम सेटिंग के साथ Infinix GT 10 Pro के अंदर खेलोगे तो ये गेम प्ले यहां पे ठीक ठाक चलेगा। हाँ, कुछ देर बाद थोड़ा आपको यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप का एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर रियल क्रिकेट 2022 में आप ग्राफिक्स अल्ट्रा पे और फ्रेम रेट हाई पे रख के खेलोगे तो यहाँ पे Infinix GT 10 Pro के अंदर आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ होने वाला है। देखिए दोस्तों, इन सारे हेवी गेम्स को चलाने के लिए मैंने जो ऊपर सेटिंग्स बताई है उन सेटिंग के साथ अगर आप ये गेम्स Infinix GT 10 Pro के अंदर खेलते हो तो आपको कोई भी फ्रेम ड्रॉप यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ना तो कोई लैग देखने को मिलेगा और ना ही कोई बग आपको गेमिंग करते वक्त Infinix GT 10 Pro के अंदर देखने को मिलेगा। आपके कोई भी सवाल Infinix GT 10 Pro के गेमिंग के बारे में हो तो नीचे मुझे कमेंट में जरूर पूछे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर आप टेक ब्यूरो के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा टेक ब्यूरो के ऊपर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।